कटहल की सब्जी हो, पुलाव हो या फिर कोफ्ता, कटहल हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। तो चलिए आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कटहल की बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी की रेसिपी। तो सबसे पहले कटहल को हम काटने के बाद 2 से 3 विसल आने तक कटहल को बॉईल कर लिए। अब हम पैन में सरसों का तेल गरम करेंगे और इसमें कटहल और 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू को डीप फ्राई करके हम अलग रख लेंगे। अब कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। तो 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 2 सूखी हुई लाल मिर्च, 1 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 काली मिर्च ऐड करेंगे। जब ये थोड़े से चटक जाएंगे तब हम इसमें 2 कटे हुए प्याज ऐड करेंगे और प्याज को बिल्कुल लाल होने तक अच्छे से भून लेंगे। अब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 कप टोमेटो की प्यूरी ऐड करेंगे। साथ ही इसमें स्वाद के अनुसार हल्दी मिर्च, नमक, धनिया पाउडर ऐड करेंगे और जब तक मसालों में से तेल नहीं छूट जाता इसे हम कुक कर लेंगे। कटहल और आलू ऐड करेंगे मसालों में मिक्स करते हुए। 2 से 3 मिनट भुनने के बाद पानी ऐड करेंगे और ढककर इसे 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें गरम मसाला, कटी हुई अदरक और हरी मिर्च ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे और सब्जी तैयार है। इसे पूरी, पराठा, चावल या पुलाव के साथ सर्व करिए। वीडियो सेव कर लीजिए, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। साथ ही रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।